अजमेर के कचेरी रोड स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर ने आज कोतवाली थाने में बैंक में नकली नोट जमा होने का मामला दर्ज करवाया है। बैंक मैनेजर के अनुसार 1000 के नोट और 500 के नोट बैंक में नोटबंदी के दौरान जमा किए गए थे, जिनकी कुल संख्या 19 और राशि 14,000 रुपये बताई जा रही है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से गलत व फर्जी नोट जमा कराने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच मैनेजर श्री कमल जी प्रजापति, उन्होंने थाने पे एक रिपोर्ट पेश की थी कि नोटबंदी के दौरान जो पुराने नोट थे 1000 और 500 के नोट नकल जो फर्जी करेंसी है वो बैंक के दौरान जमा हुई थी, तो उस संबंध में उन्होंने यह थाने पे रिपोर्ट पेश की जिस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी। इसमें जो 1000 के कुल 9 नोट हैं और 500 के हैं 10 नोट, कुल 14,000 रुपये का अमाउंट राशि के नोट है और कुल 19 नोट है जो फेक करेंसी के हैं, इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया अनुसंधान किया जाए। नहीं, अभी तो बैंक में पुरानी अवधि के दौरान काफ़ी ये पिछले 2-3 वर्षों के पुराने नोट हैं, जो उस संबंध में उन्होंने रिपोर्ट इकट्ठा किया जाएगा, उन्होंने किस किन लोगों ने जमा कराई, किस किस अकाउंट में किया, उसके संबंध में फिर अनुसंधान किया जाएगा, उसके पश्चात ही सस्पेक्ट के बारे में आरोपी के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।